केन्या में नेतान्याहू जी प्रधानमंत्री इजराइल आदरणीय मित्र सादर प्रणाम। आज दिनांक 16/10/2023 को मैं एक सनातनी सन्यासी यति नरसिंहानंद गिरी शिष्य स्वामी हरिगिरी जी निवासी दिल शिव शक्ति धाम डासना जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत आपको अपने शिष्यों के रक्त से यह पत्र लिख रहा हूँ। संकट की इस घड़ी में हम बस केवल आपके लिए प्रार्थना ही कर पा रहे हैं, इसका हमें दुख है। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप और आपके सभी लोग एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो इस्लाम के जिहादी आप पर थोप रहे हैं। यह एक अंतहीन लड़ाई है जो हमेशा नए नए झूठे बहाने गढ़कर मानवता पर थोपी जाती है। आगे भविष्य में भी यह लड़ाई चलती रहेगी। हम इस लड़ाई में आपके और आपके देश के लिए लड़ना चाहते हैं। हम अर्थात मैं और मेरे शिष्य चाहते हैं कि आपका देश हमें हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ स्वीकार करे और आप हमें अपने देश में बसने की अनुमति प्रदान करें। युद्ध काल में हम आपके साथ लड़ेंगे और जब युद्ध नहीं हो रहा होगा तब आपके देश के विकास और समृद्धि में योगदान देंगे। हम बस ये चाहते हैं कि सारी दुनिया से इस्लामिक जिहाद नाम के मानवता के सबसे बड़े और भयानक खतरे को जड़ से मिटा दिया जाए। इसके लिए यदि हमें अपना सब कुछ भी बलिदान करना पड़े तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये याद रखिए, और ये मैं आप सबसे भी बताना चाहता हूँ, ये याद रखिए, यदि इस्लाम के जिहाद को संपूर्ण पृथ्वी से नहीं मिटाया गया तो इस्लाम का जिहाद संपूर्ण पृथ्वी से मानवता को मिटा देगा। आशा करता हूँ कि आप मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेंगे। हम हर परिस्थितियों में आपके और इजराइल के साथ हैं। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में यहूदियों का सनातनी मित्र यति नरसिंहानंद गिरी महामंडलेश्वर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। पहुंचा दीजिए एमईए के थ्रू हम इजराइल एम्बेसी को पहुंचा रहा हूं। इसका ट्रांसलेशन है। थाने में हम थाने नहीं आना चाहते थे, हम इजराइल की एम्बेसी जाना चाहते थे। तो क्यों जाना चाहते? देखिए, हम इजराइल के लोगों के साथ, जो उनके साथ हुआ, जो नृशंसता हुई, छोटे छोटे बच्चों के सिर काटकर फुटबॉल खेली गई, इजराइल की महिलाओं की लाशों के साथ बर्बरता और बलात्कार किया गया, इजराइल के सैनिकों के कलेजे निकालकर खाए गए, ये जो नृशंसता 7 तारीख को यहाँ पर इजराइल के साथ हुई, हम उसका प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और इजराइल से ये कहने जा रहे थे कि इस लड़ाई में हम सदैव इजराइल के साथ हैं। हम ये चाहते हैं, मैं और मेरे 1000 शिष्य, लगभग 1000, इससे संख्या बढ़ सकती है, हम लोग ये चाहते हैं कि इजराइल हमें इजराइल में बसने की अनुमति प्रदान करे। हम वहाँ इजराइल में रहकर उनके साथ इस्लाम के जिहाद को मिटाना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर इस्लाम के जिहाद से लड़ना चाहते हैं। आपने जो लेटर लाए थे वो क्या आपने पुलिस को दिया? जी के पुलिस के यहाँ DCP साहब ने ले लिया, हमें तो पता नहीं क्यों ले लिया, लेकिन उन्होंने हमसे ले लिया। और बस भाई, हम यही कर सकते थे क्योंकि ये सिस्टम पूरा हमारी आवाज को कुचलने में लगा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर ये सिस्टम पूरा हमारी आवाज को कुचलने में लगा हुआ है। लेकिन पुलिस ने तो आपसे कहा कि वो लेटर पहुंचा देंगे। लेटर पहुंचा देंगे, अगर हम ही दे देते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन वो हमें वहां जाने नहीं देना चाहते थे। आप अपने तमाम समर्थकों के साथ आए, आपने कोई टाइम दिया था, कोई मतलब अपॉइंटमेंट? नहीं नहीं, हम तो देखिए, हम कोई नेतागिरी के लिए थोड़ी जा रहे थे, हम तो एक पत्र देने जा रहे थे, एक प्रस्ताव देने जा रहे थे। और किसी भी एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते किसी के प्रति भी संवेदनाएं प्रकट करना ये मेरा अधिकार है, दायित्व है, इसमें कोई परमिशन की किसी की जरूरत नहीं थी। तो देखिए, तमाम अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर सर, आप लोग इजराइल के एम्बेसी जाने वाले थे समर्थन देने के लिए, पुलिस आप लोगों को डिटेन करके यहाँ लेकर आई है? पुलिस हमें डिटेन करके यहाँ लेके आई है, ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। हम इजराइल के जो निर्दोष लोग इन अरब के लुटेरों ने मारे हैं, जिस तरह से वहाँ एक एक साल के बच्चों को मार के उनके सिरों को काट के फुटबॉल खेली गई है, जिस तरह से इजराइल की फौजी महिलाओं के साथ नग्न करके लाशों के साथ बलात्कार किया गया है, जिस तरह से वहाँ इजराइल के फौजियों का सीना निकाल के खाया गया है, दिल निकाल के खाया गया है, भारत ने ये घटनाएं 1000 साल तक देखी है हमने। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि दुनिया में जो भी इससे लड़ रहा है वो सब हमारे भाई हैं। हम इजराइल के साथ। भैया प्ले कार्ड तो उठा लो भैया, भारत जैसे मर गए बिल्कुल ही, तो पागल हो रहे हो क्या? हम लोग इजराइल के साथ हैं हर तरह से, और हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार, इजराइल की सरकार हमें इजराइल में बसने की जगह दे। हम जाके इजराइल में बसेंगे क्योंकि भारत इस्लाम के जिहाद से कभी नहीं लड़ेगा। यहाँ हम धीरे धीरे सब मारे जाने वाले हैं, यहाँ धीरे धीरे यहाँ मुस्लिम जनसंख्या ऐसे बढ़ेगी, और हमारे साथ यही होगा जो इजराइल में 7 तारीख को हुआ है। इससे पहले हम लोग इजराइल जाना चाहते हैं, हम भारत छोड़ना चाहते हैं, हम सारे लोग
भारत छोड़ना चाहते हैं, इजराइल जाना चाहते हैं, यही कहने के लिए हम इजराइल एम्बेसी जा रहे थे। हमने अपने रक्त से एक पत्र लिखा था, डॉक्टर दिखाइएगा, और इस पत्र में हमने इजराइल की सरकार से अनुरोध किया है कि वो हमें अपने यहाँ रहने दे। हम उनके कानूनों का पालन करते हुए उनके साथ रहेंगे। जब युद्ध का समय होगा हम उनके साथ लड़ेंगे, और जब युद्ध का समय नहीं होगा तब हम इसराइल के विकास में योगदान देंगे। हम भारत के इस सिस्टम में कुत्ते की मौत मरने के लिए यहाँ रहना नहीं चाहते। भारत में कोई भी सरकार यहाँ आएगी केवल वो मुसलमानों को और इस्लाम को ही पोषित करेगी, और यहाँ यही होता रहेगा। हम हर जगह यूपी में कुत्ते की मौत मर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुत्ते की मौत मर रहे हैं, दिल्ली में कुत्ते की मौत मर रहे हैं। हम इस कुत्ते की मौत को मरते मरते बहुत परेशान हो गए हैं। हम वहां जाना चाहते हैं जहां वास्तव में लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो साथ तो समझ सकते हैं।